आइए सभी लोग। इन नज़ारों में अब हम लोग वापसी की तरफ हैं। और आप सब कभी कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं। हम फर्स्ट क्लास महादेव नीलकंठ महाराज के यहाँ घूम रहे हैं। पूरा एकदम ऊपर चले गए थे, अब एकदम नीचे जा रहे हैं। तो चलिए फिर देखिए मैं कहाँ कहाँ ले गई हूँ। पूरा आपको हरिद्वार और नीलकंठ का भ्रमण कराती हूँ। तो राम राम प्रणाम, हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड की भूमि से। आज तो उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की भूमि से ही स्वागत करेंगे ना, तो अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में बने रहें। चलिए देखिए बहुत सारी कुछ है, इतना बेहतरीन रास्ते हैं, इतना खूबसूरत चीज़ें हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो धन्यवाद प्रणाम, आप देखते रहें मेरे वीडियो को, एंजॉय करो। अब तो मेरा सपोर्ट करिए आप लोग। बैग लग चुका है बेटे का, वो रहा बैग, ये रहा मेरा बैग और ये मेरा बैग रहा। तो अब हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। फिर चलिए प्रॉपर आगे बताएंगे हम यहाँ से जाएंगे सुविधारगंज। सुविधारगंज हमारी संगम ट्रेन है, उसी से जाना है और हरिद्वार पहुँचेंगे। तो मैं झूसी से निकलूँगी, झूसी से सीधे प्रयागराज होते हुए सुविधारगंज जाऊँगी, धूमनगंज के पास में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीएनजी भरवाएगा गाड़ी वाला। तो दोस्तों हम लोग सुविधारगंज स्टेशन पे आ चुके हैं, यहीं से हमारी ट्रेन मिलेगी। बड़ा बढ़िया स्टेशन बना दिए हैं सुविधारगंज को। यही है धूमनगंज के पास में सुविधारगंज है, यहीं पे हमारी ट्रेन मिलेगी और हम लोग यहीं से फिर ट्रेन पकड़ के निकल चलेंगे। ये दोस्तों फिर जगह जगह हम आपको और भी चीज़ें दिखाते रहेंगे। बेटा भी मेरे साथ में है। तो हमारी ट्रेन लग चुकी है, अब हम लोग पकड़ेंगे ट्रेन। हरिद्वार स्टेशन पे पहुंच गए हैं और चलिए आज का जो जो रूटीन मेरा रहेगा सब मैं दिखाऊंगी, कहां कहां जाऊंगी, कहां कहां गई हूं, क्या क्या मैंने देखा है, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मेरे वीडियो में बने रहें। हम लोग चल रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ। हम लोग निकल लिए हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टैंड है, उसी बस स्टैंड से हम लोग निकल लिए हैं ऋषिकेश के लिए। देखते हैं कौन से बस ऋषिकेश के लिए मिलती है। बड़ा सा बस स्टैंड है पूरा, यहाँ हर जगह की मिल जाती है बस। उत्तराखंड परिवहन निगम बस स्टैंड, बस ढूंढ रहे हैं हम लोग।
मिल जाते हैं। फाइनली दोस्तों हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। बस के माध्यम से हरिद्वार से बस लिया, बस से पहुंच चुके हैं। अब चल रहे हैं, हमें जाना है नीलकंठ महादेव जी दर्शन करने, काफ़ी दिनों से इच्छा थी। तो चलिए देखिए, हम ऋषिकेश बस स्टैंड में हैं, अब आगे चलते हैं। वो बेटा आगे जा रहा है, सभी बसें लगी, एकदम पहाड़ एकदम नज़दीक आ गया है। लोगों ने ऋषिकेश से एक ऑटो ले लिया है, अब ऑटो वाला सवारी भरेगा तब चलेगा। प्रति सवारी 30 रुपये लेता है। हरिद्वार से हम लोग जब बस से आए तो 68 रुपये बस का लगा था। बाकी ट्रेन से हरिद्वार तक आए वो आप लोगों को पता है, तो ट्रेन का तो सभी को टिकट पता होगा, एसी का कैसा है। स्लीपर से आइए, बैठ के आइए, एसी से आइए, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपके बजट हो, जैसी क्षमता हो वैसे आइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलिए और आगे दिखाते हैं क्या क्या है। हाँ, वेलकम टू राम झूला, शायद उस पार जाके मिलेगा, पता कर लेते हैं। तो हम लोग अब राम झूला की तरफ चल रहे हैं, वहाँ से फिर हमें आगे नीलकंठ के लिए रास्ता मिलेगा। शत्रुघ्न मंदिर, ये देखिए गंगा मैया ऋषिकेश पे। वो रहा राम झूला, भैया हर हर महादेव, हर हर गंगे। चलिए फिर सभी लोग देखिए, ऋषिकेश हम पहुंच चुके हैं, अब महादेव जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे। त्रिवेणी घाट पे हैं हम लोगों ने ऋषिकेश से स्कूटी ले लिया है, क्योंकि शेयरिंग वाली गाड़ी जल्दी जा नहीं रही थी और टैक्सी बहुत महंगा पड़ रहा था, तो हम लोगों ने ऑटो ले लिया है। ऑटो वाले ने 1000 सिक्योरिटी मनी जमा कराया है और 600 रुपये उसने स्कूटी का पेमेंट लिया है। उसने लिखा पढ़ी करके आधार लिया और ड्राइविंग लाइसेंस लिया, ले करके उसने हमें ऑटो दे दिया हेलमेट के साथ, और हम माँ बेटे अपना निकल लिए हैं। तो हम लोग अब नीलकंठ के लिए निकल लिए हैं। विदेशी हर जगह मिलेंगे, बड़ा घुमावदार चढ़ाई का रास्ता है, क्योंकि पहाड़ में जाना है हम लोगों को। घुमावदार रास्ता है पहाड़ी का, इतना खूबसूरत खूबसूरत बिला वगैरह बना है। ऋषिकेश से काफी ऊंचाई पे आ चुके हैं, Thank you।
इतना खतरनाक खतरनाक घुमावदार रास्ता है, सन्नाटा भरा। ओहो, बजरंग बली भी बैठे हैं, लंगूर है काले वाले। हाँ, जब भोलेनाथ है तो बजरंग बली भी होंगे यहाँ। डैडी तो बताए थे ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई है पूरा एकदम। अच्छा, तो अभी हम लोग ऊंचाई से नीचे जा रहे हैं, नीचे से फिर ऊपर जाएंगे। कितना खतरनाक यहाँ ड्राइविंग सब करते भी हैं फोर व्हीलर वाले। दोस्तों, आप लोगों के लिए देखिए, हम इतने दूर दूर आके ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अब तो आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए, सब राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, अब तो मेरा सपोर्ट करिए। देखिए, नंदी भी बैठे हुए हैं सब जगह जगह। नीलकंठ मंदिर इधर जाना होगा, हरिद्वार, मुजफ्फर, दिल्ली, हरियाणा इधर जाना होगा। भैया, ये बोर्ड लगा हुआ है पुलिस चौकी गरुड़ चट्टी, ये गरुड़ भगवान बैठे हुए हैं। फिर रास्ता खराब हो गया, यहाँ व्यवस्था शुल्क भी लगता है गाड़ी आपके ले जाने आने का। ये देखिए, इतनी तेज धारा में सब राफ्टिंग कर रहे हैं पूरा, ये जाएंगे ऋषिकेश तक पूरा। कैसे हैं दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और हम आए हैं उत्तराखंड, नीलकंठ दर्शन करने और ऋषिकेश घूमने। तो चलिए फिर देखिए, आप सबको दिखाते हैं। तो राम राम, प्रणाम, स्वागत करते हैं हरिद्वार के धरती से, उत्तराखंड ऋषिकेश की धरती से। तो मेरे वीडियो में यूँ बने रहें, लाइक सपोर्ट कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रणाम। जो उल्टा सीधा घुमावदार रास्ता है, बाप रे बाप, इतनी ऊंची चढ़ाई करते करते हम लोग करीब 1.25 घंटे हो गए हैं, अभी नीलकंठ हम लोग पहुँचे नहीं हैं। चलाते थकान हो गई, चलाते चलाते स्कूटी। ये कुत्ते इतने सुंदर सुंदर, देखो फेसबुक से खूबसूरत है। अकेले मिट्टी चला हुआ था, हाँ डे रहा था ना अब। इतना कठिन डगर है महादेव का, हमने इतना कठिन सोचा नहीं था। अब ये है कि इससे हमें ये ज्ञात हो गया कि किसी भी महादेव के यहाँ जाना है तो कठिन डगर है महादेव का। देखा कहाँ कहाँ से गाड़ी आवा थी, सही बात है। गाड़ी से सुरक्षित चले हैं, आज झरना गिरा था, झर 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 पानी। चार किलोमीटर नीलकंठ, अभी भी 4 किलोमीटर है। घूम घाम के उसी पहाड़ में हम लोग घूम रहे हैं और कहीं नहीं। घुमा के आ गए हम तो, घूम घूम रहे हैं। ये सीधे कर्व रास्ता गया है,
इधर से आ रहे हैं और इधर बस इतने में जा रहे हैं वापस। वो देखो उस पहाड़ से स्विट्जरलैंड जैसी फीलिंग आ रही है, स्विट्जरलैंड में हम चल रहे हैं। चले चलिए चले चलिए, तुम नहीं आ रहे, टेंशन ना लो, मैं केवल खुद को ला रही हूँ। आ लिया वक्त। ओके, धूप हो आई, कब धूप कब छाया कब बारिश कोई गारंटी नहीं इन पहाड़ों में। हमको बड़ा आसान लगा था कि जाएंगे फट से नीलकंठ दर्शन करके आ जाएंगे, अब बस समझ में था मुझे कि नीलकंठ दर्शन करना है, कई बार आए गए हो नहीं पाया किसी न किसी कारण बस। एक्चुअली डैडी यहाँ ड्यूटी किए हैं, डैडी को पता है, पता नहीं क्या बताते हैं, कोई चीज़ सही से बताते ही नहीं, कहाँ ड्यूटी किए रहने एक महीना, अगर वो सही से बताए रहते हैं तो बहरहाल दर्शन हो जाए बस महादेव का, बाकी सब ठीक। देखो वो पहाड़ कितने ऊंचाई पे था, हम लोगों को आ गए हम लोग उतनी ऊंचाई पे। एकदम आखिरी चोटी पे पहुंचने वाले हैं, बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं। कभी धूप कभी छावा, नो पार्किंग क्षेत्र। हाँ उस पर तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, अब जब पहुँच जाए तब समझो। तो दोस्तों हमने प्रसाद भी ले लिया है भोलेनाथ के साथ में, चलिए हम पहुँच आए हैं नीलकंठ। दुर्गा माँ कहीं हम बैठी है सारा रूप लेके, लाइन लगी हुई है वहाँ तो नहीं है क्या, कैमरा बंद करो माता। दर्शन करने के बाद हम लोग जो है इतना खूबसूरत व्यू के सामने हम लोग बैठे हैं, बहुत गहराई है नीचे, तो हम लोग एकदम पहाड़ पे बैठे हैं पूरी तरह से, और भूख लगी है खूब, सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था तो चना मसाला मंगाए हैं, और ये तंदूरी रोटी और तवा रोटी हम लोगों ने मंगाया है, तभी भोजन होगा हम लोगों का। दोस्तों हमारी स्कूटी देखिए बिना स्टार्ट हुए अपने आप चलती चली जा रही है, क्योंकि अब गाड़ी हमारी ढलान पे जा रही है,
जबरदस्त झरना भी आ गया है। बिल्कुल ऐसे चल रही है क्योंकि अब हम ढलान पे जा रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा ट्रिप? देखिए झरना है, फूटा टूटा झरना, उड़ी बाबा। हाँ गाड़ी यहाँ बहुत खतरनाक, देखो ना पलटा पड़ा है। अरे बोर्ड लगा था। चालीस की स्पीड की फीलिंग करा रहा है। जाओ यार, क्यों पापा चिल्ला रहे हो? यूपी 16 गाजियाबाद। हाँ गाजियाबाद की है गाड़ी। धूम धूम तेरी ऐसी की तैसी। कितना ढलान पे गाड़ी जाएगी। बिना पेट्रोल की मेरी गाड़ी चल रही है। है कोई इसी में ताकत बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाने के? वाह क्या सीन आ रहा है, ठंडा भी लग रहा है। झूर 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 पूरा घुमा घुमा पूरे पहाड़ का। ये लग रहा बस यहीं घूमते रह जाओ। एक तो ढलान है, दोस्तों कैसे हो? त्रिवेणी घाट की आरती हो रही है, ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट है। मेरा बेटा जलाचमन कर रहा है।